और अहमद यार, बड़ा अरसा हो गया यार, कहीं टूर पे चलने का कोई सीन नहीं बना। चल यार, कोई कोई सीन ऑन करते हैं यार। अहमद यार, मोबाइल 2 मिनट के लिए रख दे यार, मेरी बात ध्यान से सुन ले यार। बहुत बर्डन है यार, ऑलरेडी काम का बड़ा बर्डन है सर के ऊपर, कोई सीन करते हैं यार। अहमद यार, मोबाइल तो छोड़ो। हाँ 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 सही। अहमद, हाँ हाँ फुरकान यार, बोलो प्लीज़ यार। वो असल में ऑफिस की कॉलें बहुत आती है, तो हम क्या बात कर रहे थे हाँ तो अहमद, यार? सॉरी सॉरी यार, फिर से एक कॉल आ रही है, सॉरी। मामला यार बड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं। हेलो। हाँ, ठीक है, हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है यार। ओके फाइन, ओके यार, ओके, अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, सी यू। हाँ फुरकान, सॉरी यार, बोलो बोलो। हाँ तो अहमद, अरे यार, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ मुजम्मिल, कैसे हो? अहमद जाना ही नहीं, प्रोग्राम कैंसिल, कहानी खत्म, जाना ही नहीं। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड। अरे फुरकान, अरे यार नाराज मत हो। हाँ, अब तुमसे ही बात कर रहा हूँ। सॉरी 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 जानी। दोस्तों, जैसे कि आपने गुज़िश्ते क्लिप से देखा कि किसी को इग्नोर करने पर, या मैं कहूँ कि किसी की बात को कंसंट्रेशन से ना सुनना, किसी दूसरे शख्स पे कितना बुरा इम्पैक्ट डालता है। चाहे अगर आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर, या कोई ऐसा शख्स जो आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हो, हर शख्स चाहता है कि एक शख्स दूसरे शख्स की बात को बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से सुने। अगर हम एथिक्स की बात करें, तो लिसनिंग एथिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जाहिर है कि एक शख्स आपको अपनी बात बताने में बहुत इंटरेस्टेड है, और आप बजाय उसकी बात को कंसंट्रेशन से सुनने के, आप अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाए। जैसे कि आपने अभी गुज़िश्ता क्लिप्स में देखा कि एक शख्स दूसरे की बात को मुकम्मल सुनने के बजाय वो अपने दोस्तों की कॉल रिसीव कर रहा है, तो क्या इम्पैक्ट होगा उस शख्स पर? क्या वो शख्स अपनी बात को मुकम्मल बताने में अपना इंटरेस्ट शो करेगा? हरगिज़ नहीं, यकीनन नहीं। इफ़ेक्टिव लिसनिंग ना सिर्फ आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, बल्कि आपके दोस्तों में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके बिजनेस में, और आपके हर कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आज हम अपनी सोसाइटी में और अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर इतना ईगो भरा हुआ है कि वी डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी वन। यहीं से तो शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स की, कि जब बोलने वाला शख्स सुनने वाले शख्स पर से अपना सारा इंटरेस्ट खो बैठता है, यकीनन वो अपना इंटरेस्ट खो बैठेगा, क्योंकि वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि नॉलेज रखने वाला शख्स हमेशा बोलता है, लेकिन अकल रखने वाला शख्स हमेशा लोगों की बात को ध्यान से और कंसंट्रेशन से सुनता है। एक टिप आप दोस्तों से मैं शेयर करना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप किसी के दिल में घर करना चाहते हैं, या मैं कहूँ कि आप उसके दिल में अपनी रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, तो अपनी एक आदत बना लें, और वो है किसी की बात को कंसंट्रेशन से सुनना। यकीन करें, इससे ना सिर्फ आप उसकी रिस्पेक्ट गेन कर लेंगे, बल्कि उसका ट्रस्ट भी गेन कर लेंगे। क्योंकि ये इंसान का नसीहत है कि जब एक शख्स दूसरे शख्स की बात को कंसंट्रेशन से और फोकस करके सुनता है, तो उसका दिल दूसरे शख्स के दिल की तरफ बहुत ही जल्दी माइल हो जाता है। एक फेमस पॉलिटिकल लीडर बेनेट बैरूक कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे सक्सेसफुल लोग उन लोगों को पाया है जो ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं। तो दोस्तों, आपका हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।